नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। जो सनातन धर्म को मिटाने की सोच रखते वो एक दिन खुद मिट जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर साधा निशाना। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले ये लोग सिर्फ चुनावी हिंदू। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बेटी दामाद और पिता की गोली मारकर हत्या। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू, दोनों तरफ से चल रही फायरिंग। पटना के जमीन विवाद को लेकर खूनी खेल, 3 लोगों की मौत। अनंतनाग एनकाउंटर में सेना का एक और जवान शहीद, कुल 4 की हुई शहादत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे, आगामी चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। अमित शाह बिहार में जनसभा को भी करेंगे संबोधित, कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज स्पेन के दौरे पर, उद्योगपतियों से करेंगी मुलाकात। वेट में बढ़ोतरी को लेकर पेट्रोल पंप के मालिक आज से हड़ताल पर, सरकार के खिलाफ विरोध। दिल्ली के कई हिस्सों में जमकर बारिश, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कई महीनों से जेल में है बंद। भारतीय दूतावास ने लीबिया में फंसे 4 भारतीयों को सकुशल बाहर निकाला, कई दिनों से थे फंसे। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया, अब फाइनल्स में भारत से मुकाबला। पाकिस्तान एक बार फिर एशिया कप से बाहर, भारत पहले ही पहुंच चुका है फाइनल्स में। भोपाल में कांग्रेस आज निकालेगी जन आक्रोश यात्रा, कमलनाथ करेंगे नेतृत्व। फ्रांस के राजदूत का बड़ा बयान, कहा भारत को यूएनएससी की सदस्यता देने में नहीं होनी चाहिए देरी। बिहार के भागलपुर में सड़कों पर छात्राएं उतरी, कहा सभी मैडम चैट करती रहती हैं। मध्य प्रदेश से पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा सनातन को मिटाना चाहते हैं ये लोग। कांग्रेस विधायक मानन खानन गिरफ्तार, एसआईटी ने किए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के विपक्ष के अंदर वार पलटवार, कांग्रेस ने कहा हमने बड़ा दिल दिखाया, सपा ने क्यों नहीं। जदयू एमएलसी राधा चरण गिरफ्तार, बाबू खनन मामले में ईडी ने की पूछताछ। बिहार के मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 12 से अधिक बच्चे गायब। 1000 करोड़ रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड में फंसे गोविंदा, पुलिस करेगी पूछताछ। नसीरुद्दीन शाह को गदर 2 के डायरेक्टर ने दिया जवाब, कहा पहले फिल्म देखें, दावा है मेरा राय बदल जाएगी। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव।